नवाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी जो है ये इसका इफ्तिताह हुआ था। चीफ मिनिस्टर पंजाब थे जब वो ऑन सैटरडे 23 जुलाई 2011। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर अज़द अली सहरा न्यूज़ से तीन पकड़ के साथ। आज हम मौजूद हैं टाउनशिप में मॉडल बाज़ार में और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की सफाई सफाई और इंक्वायरी क्वालिटी आए थे बगैर मास्क के दाखिला। माशाल्लाह भाई ने भी मास्क लगाया हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सब मास्क लगे हुए हैं और यहाँ पर सब स्टॉल हैं बचत मैं के साथ। हम दिखाएंगे आपको यहाँ की बचत और रेट तो हम देखेंगे कि इनकी क्वालिटी क्या है। आइए मेरे साथ। ये एक हम सहूलत स्टॉल पे इन्होंने ये देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने हर चीज़ का रेट लिखा हुआ। ये दिखाएं रेट लिस्ट। साफ सफाई का बेहतर इंतजाम के मतबान देख सकते हैं। सुल्तान भाई माशाल्लाह साफ सफाई है आपकी, शेयर कर रहे हैं आप। मतबान भी आपके साफ है, आपने देख सकते हैं जी एक्सपायरी। हम यही चीज़ चेक करने आए हैं और यहाँ पर पूरे बाज़ार में हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। फूड अथॉरिटी की तरफ से इसके ऊपर एक रसीद चिस्पा है और यानी कि यहाँ की इंतजामिया जो है वो सख्त है, भरपूर रोल। हम भी यही कहते हैं कि जहाँ की इंतजामिया गलत होगी वहाँ के हम आवाम गलत हो चुके होंगे, क्योंकि हम एक प्लेटफार्म पे होते हैं और उस प्लेटफार्म को हैंडल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए हमें इंतजामिया की ज़रूरत होती है। अगर इंतजामिया अच्छी होगी तो हमारा सब कुछ अच्छा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी तकलीफ रखी गई है। साफ सफाई दिखाएं, साफ सफाई दिखाएं, माशाल्लाह साफ है। और हम ये पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम सैयद भाई, ये आइएगा जरा इधर देखिए। यहाँ पर आप जो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर को दे रहे हैं, आप मुमकिन है कि आप रेट के मुताबिक जो बाहर रेट है उससे आप कम दे रहे हैं? आपकी ये जो साफ सफाई है वो आप रखते हैं या इंतजामिया रखवाती है आपको? आप ही रखते हैं। अगर इंतजामिया की तवज्जो ना हो तो रखेंगे आप? रखेंगे रखेंगे, लेकिन नहीं रखते। अच्छा, अगर इंतजामिया आपको सख्ती ना करें तो जो ये रेट और जो आपने साफ सफाई और जिस तरह की तरतीब की हुई है क्या ऐसे होगा? इंतजामिया का हाथ है, सच मुंह पे आ ही जाता है जी। चले जी, यहाँ पर मौजूद हूँ मटन बाजार में। यहाँ पर मैंने एक भाई को देखा जो हुकूमत के बहुत ज्यादा जो है ना गुस्से में है कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की जो है उन्होंने बहुत महंगाई कर दी है। हम इनसे ये पूछेंगे कि आप इमरान खान की हुकूमत क्या शिकायत रखते हैं जी? आपका नाम? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, आप क्या कहना चाहते हैं बोले? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान साहब से हमारी गुजारिश है कि वो वल्ला आवाम के ऊपर जो ये इतनी महंगाई का पहाड़ इसने गिराया हुआ है इसको ख़त्म करें। इसकी बातों में आके लोग पे बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। आप इमरान खान से मैं अपील करता हूँ कि ये वजीर आज़म से या इस्तीफा दे दें या तो इस महंगाई को कम करें, वरना इस पे नालत हो हमारी अवाम की नालत है इसके ऊपर। जो जितना दुख इसने पहुँचा दिया है अवाम को, मैं खुद हैरान हूँ,
मेरे आप बीवी बच्चे मैं बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है इस वक्त, सिसक सिसक की जिंदगी हमारी गुजर रही है और हम चाहते हैं आवाम, पूरी आवाम बाहर निकले, माल रोड जाम करें और इस इमरान खान को बताएं कि ये क्या कर रहा है, इस बेअकल को अकल कब आएगी कि आवाम तकलीफ में जी रहे हैं। लिहाजा ये रिक्वेस्ट है हमारी, ये बहुत गुस्से में इस टाइम इस हुकूमत पर और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस हुकूमत को, क्योंकि इमरान खान जब से आए हैं कुछ करके नहीं दिखा रहे। मैं इधर आया हूँ प्रोग्राम मार्केट बाजार में करने के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके हमने जो देखा वो साफ सफाई इंतजामिया जो है वो बेहतर है, क्या आप समझते हैं कि इस इतवार बाजार की मुनासबत से आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर चीज मिल रहा? देखिए जी, मैं बाहर से अभी ना पूरे जांच पड़ताल करके आया हूँ महंगाई के बारे में। मैं ये समझता था कि शायद मॉडल बाजार में चीनी का रेट कम हो, चीनी का कैसे, मैं सिर्फ एक चीज पे बात कर रहा हूँ, बाकी जो हजारों चीजें हैं सब्जियों से लेके हर चीज जो है जी, काफी चीजें हमने दिखाई है, काफी बेहतर, बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर और यहाँ से फर्क हो, वही रेट बाहर भी है वही रेट मॉडल बाजार में भी है। तो इस मॉडल बाजार को बंद कर दिया जाए, मेरे हिसाब से तो इसको बंद कर दिया जाए। जनाब अली देखिए, मैंने टमाटर का रेट अभी बाहर भी देखा है यही 100 रुपया 95 रुपया 90 रुपया चल रहा है, अभी चीनी का रेट मैंने यही देखा है दूसरे शेखों की दुकान में भी और तीसरे चौथी दुकानों में भी यही 95 रुपया रेट है। मैं समझता था कि शायद 5 रुपया बच जाए और हमें यहाँ पे आना पड़े। आइएगा सर, ये हमारे भाई हैं, इनकी शिकायत है कि क्या टमाटर का रेट जो बाहर है वो यहाँ है, आप क्या सेटिस्फाई करते हैं? हमारा तो टमाटर का रेट है ओवर टमाटर का ना 90 रुपये का, ये कैमरा दिखा सकता है रेट डीसी की तरफ से जो रेट लिस्ट के मुताबिक ना वो रेट लिस्ट के मुताबिक दिया जा रहा है और सहूलत स्टार पे 5 रुपये कम ये इन्होंने हमें एक रेट लिस्ट दिखाई है जो डीसी की तरफ से है, उस हिसाब से यहाँ पर 5 रुपए का फर्क है, क्या कहते सर? मैं अभी मेरे साथ ये चले शिकायत और गुस्से की वजह से आज टमाटर पे भी गुस्से हैं और टमाटर की तरह लाल पीले हैं, बिल्कुल चले आगे देखते हैं। लोग हैं वो भी साफ सफाई में अपना सामान ले रहे हैं और यहाँ जो गंदगी होगी गंदगी को दिखाएंगे, साफ सफाई होगी दिखाएंगे, ये सर सर नाम क्या गुरदेव गुजरात भाई, आप ये बताएं कि यहाँ से आप चिकन ले रहे हैं, आप मुमकिन है कि साफ सफाई के लिहाज से हम कैसा करते हैं तो आप यहीं से ज़्यादा सामान लेना कैसे समझ लिए बाहर के यहाँ पर जो रेट है बाहर के मुनासिब से कितना कम है? कम है, मुमकिन है आप रेट से कम और वही दिखाएँ कि इसी रेट से ये 202 रुपये ये बाहर का रेट है और ये दे रहे हैं 197, तो यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। आप यहाँ की साफ सफाई और रेट के मुताबिक जो इनको सख्ती दी गई है किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार तो ये पता चलता पर इनके पास आते हैं जैसे ही कहते हैं ये ताउन जो कर रहे हैं आपके साथ, क्या ये खुद कर रहे हैं या किसी इंतजामिया का दबाव है? और ये तो हमें नहीं पता है, बात तो हमें क्या बहुत आते अच्छा जब हम आपसे आके जो पूछते हैं कि ये गंदगी है साफ सफाई नहीं है रेट ठीक नहीं दे रहे क्वालिटी ठीक नहीं दे रहे तो आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? नहीं पता जब ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे आया तो जब ये गंदगी देंगे तो उसको फिर गवर्नमेंट लेकिन ये गवर्नमेंट होगी इंतजामिया होगी और अगर ये सही दे रहे हैं और सही साफ सफाई रखते हैं तो क्या गवर्नमेंट और इंतजामिया को डिस्क्रेड नहीं करेंगे आप? पता सर अभी साफ सफाई काफ़ी है, अच्छा काम हो रहा है, जो हमने दिखाया आपको ये कस्टमर है ये भी वही बात से है मुझसे ना काम अच्छा हो रहा है। चलिए तो यहाँ शेड ऊपर डाले हो रहे हैं, गर्मी बहुत है, यहाँ इतना पसीना आ रहा है इसकी अधिक हो रही है,
ये छेड़ के ये भगवान थोड़ा ऊपर क्यों या वहाँ है कोई असलन मतलब ये बहुत बड़ी ग्राउंड थी, सारी ग्राउंड कहा जाता था इसको, और यहाँ पे मियां शबाशरीफ साहब ने जो है ये सिस्टम तैयार किया। तो इतनी बड़ी ग्राउंड के अंदर शेड के अलावा आप क्या कहते हैं कि लैंटर डलवा दिए थे? मैंने वैसे देखा है कि हर स्टॉल पे पंखे लगे हुए हैं, मैंने यहाँ पे सबको दिखाया यहाँ पे स्टॉल पे पंखे लगे हुए हैं। वो आपकी बात ठीक है पंखे लगे हुए, लेकिन ये उस्मानपुर सरदार साहब आपके ऊपर ये तनकीद है कि शहबाज शरीफ जब वजीर आला था तो उसके दौर में एसी लगे हैं, ये भाई कह रहे हैं, और आपकी ये नकम्मी हुकूमत है कि यहाँ पर आपने एसी की जगह छोड़ के पंखे भी नहीं लगाए। इतनी गर्मी लग रही है, ये करें मैं तो बुरा हाल हूँ, फैमिली का इतना बुरा हाल है। आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं हुकूमत को ये कहना चाहूँगा काम सही करें, महंगाई कम करें, ठीक है ना, ना इन्होंने गवर्नमेंट मुलाजमों की सैलरी बढ़ाई है, ठीक है ना। मैं खुद सरकारी मुलाजम हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट? मैं फूड डिपार्टमेंट। फूड डिपार्टमेंट, माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर क्वालिटी जो है आप क्या समझते हैं? उनकी क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन ये थोड़े रेट ज्यादा है। रेट मैंने देखे हैं कि जो इसी रेट है उससे 5 से 10 रुपए का फर्क आ रहा है, आप क्या कहेंगे? लेकिन 5-10 का फर्क है, लेकिन आलू है ना जो भी चीज़ है उसमें क्वालिटी में थोड़ा लो है, ठीक है ना। आलू क्वालिटी में लो है। सब कुछ आपको दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि इसकी क्वालिटी यहाँ पर कस्टमर के थ्रू जाते जाते एक ऐसी चीज मेरा ख्याल है कोई चैनल नहीं दिखाएगा, और मेरी टीम भी शायद ना मानती, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद ये जगह ऐसी है कि मैं इस इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद कर सकूं, और मुझे करनी थी, इसलिए मैं चल रहा हूँ वॉशरूम। आए जी मेरे साथ, मेरे साथ ये वॉशरूम में पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ पे परफॉर्मर टॉयलेट क्लीनिंग चेक लिस्ट लगी हुई है। हाँ जी, ये चेक लिस्ट लगी हुई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइन हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे ये साइन की चीज़ की है, क्यों किए जाते हैं, क्या मकसद है इन साइनों का। तो यहाँ पर उसके बाद हम वॉशरूम को भी अंदर से दिखाएंगे, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन हम आखिरी पॉइंट है हमारे पास ताकि हम इंतजामिया के ऊपर ठीक कर सकें, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था, इसलिए आपकी पॉइंट जी आपके बताएंगे कि यहाँ की साइन मिले हैं क्लिनिक चेक लिस्ट मिले लगी हुई है। हर जगह हमने देखा आपने लिस्ट में बनवाई हुई है और रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक, आप ये रेट लिस्ट के मुताबिक ये जो आपने लगाई थी और क्लिनिक का सब कुछ किया है क्या है? हर घंटे के बाद यहाँ सफाई की जाती है, सफाई का है। ये डस्टबिन है जी, शॉपर लगाया गया है, ये जबरदस्त ऐसा लगता है जैसे हम